કલેક્ટર ફૌ વર્મન બ્રહ્મા સાહેબ દ્વારા દીવ જિલ્લાની જનતા માટે કોવિડ માટે ખાસ ગાઈડલાઈન આપી, જેમાં માસ્ક પહેરવું, ભીડભાડ વાળી જગ્યાએ ન જવું, કોવિડ સિસ્ટમ જણાય તો ચેકઅપ કરાવવું, જેને બુસ્ટર ડોઝ નથી લીધો તેને ખાસ ડોઝ લેવો, અને જે વિદેશથી આવે તે કોવિડ ગાઈડલાઈનનું ખાસ પાલન કરે. ગુડ ઇવનિંગ, નમસ્કાર સભી કો. આપ સભી કો પતા હૈ કે અભી હમ લોગો કા કોરોના કા જો કેસીસ હૈ વો ફિર સે બઢ રહા હૈ. સ્પેશિયલી આપ દેખા જાય તો ચાઇના જાપાન જૈસે દેશો મે કોરોના કા જો કેસીસ હૈ બહોત બઢ રહા હૈ. અભી એક નયા વેરિયન્ટ જો BF7 વેરિયન્ટ હૈ ઉસકા જ્યાદા અસર હો રહા હૈ. तो मैं इसी संदर्भ को लेके एक छोटा सा एक मैसेज और इन्फॉर्मेशन मैं दियो के वासियों को देना चाहता हूँ. सभी से अनुरोध है कि आप सभी कोविड अनुकूल आचरण करें, मास्क अपनी पहने और पब्लिक प्लेसेस पर विशेष रूप मास्क पहने और सावधानी बरतें. जिन लोगों ने कोविड का सेकेंड डोज बूस्टर आदि नहीं लिया है वे ले लीजिए. जिनको सर्दी खांसी जैसे कोविड के लक्षण सिम्टम्स है वो तत्काल जांच अपरा करें. विशेष अनुरोध है कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं वे अपने कोविड सिम्टम्स को देखते हुए अनुकूल आचरण करें और कोविड गाइडलाइंस का पालन करें. सभी सावधानी बरतें. और मैं अंतिम में अपने सब दीववासियों को कहना चाहता हूँ कि जितना भी हम लोग का पब्लिक गैदरिंग्स है उसमें आप अभी से मास्क पहनना और जितना आप अवॉइड कर सके ज़्यादातर पब्लिक गैदरिंग्स को, उसमें हम लोग का सावधानी बरतना है. और उसके लिए हम मैं स्पेशल एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. थैंक यू.